नाइफ शहर में मियानियाबाद मोहल्ला मोहल्ला अख्तराबाद और जलालाबाद हालिया मानसून बारिशों की वजह से शदीद मुतासर हुए हैं, जिसकी बुनियादी वजह गुज़िश्ता साल सरूती नामी हिफाजती बन में शगाफ पड़ने और जज्बी टूटने से हालिया साल माह 23 मार्च को सैलाबी रेले ने सरूती हिफाजती बन मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था, जिससे मस्कूरा मोहल्ला शदीद मुतासर हुआ और कई गरीब घरेलू मकीन बेघर हो गए और दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। इसके साथ साथ मानसून की आमद के साथ हर दूसरे दिन बारिशों से मस्कूरा मोहल्ले और शहर नदी नाले की शक्ल में तब्दील होता है। कमिश्नर अजीम जान दुमड़ की खसूसी दिलचस्पी से अवाम और मुतासरीन में उम्मीद की नई किरण पैदा हुई है, लेकिन लगता ऐसा है कि मुतलका महकमा इरिगेशन और हुकाम को मुतासरीन और अवाम का एहसास ही नहीं और हिफाजती बंद की तामीर में संजीदा नहीं है, जिससे रोज बरोज लाभी रेले आने से मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बिलाल तरीन, बशक न्यूज, हरनाई। सोबतपुर के इलाके मांझीपुर में डेजर्ट कैनाल शाही बाग को 30 फीट गहरा शगाफ लगने से शहर के मुतादिद मोहल्लात ज़ेरे आब आ गए। इरिगेशन अमला गायब, लोग अपनी मदद आप शगाफ पुर करने में मसरूफ। सोबतपुर के दूसरे बड़े शहर मांझीपुर में शाही बाग कैनाल में पानी के ओवरटॉप होने की वजह से 30 फीट गहरा शगाफ लग गया, जिसकी वजह से मांझीपुर शहर के कई मोहल्लात जमाली मोहल्ला, अब्बासी मोहल्ला और खोसा मोहल्ला मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल होने की वजह से घरों में मौजूद सामान और अनाज वगैरह डूब गए। लोग खौफ की वजह से नकल मकानी करने पर मजबूर। 6 घंटे गुजरने के बावजूद इरिगेशन हुकाम ना पहुंच सके, जिसकी वजह से नुकसान मजीद बढ़ने का खतरा है। शहरी अपनी मदद आप शगाफपुर करने में मसरूफ हैं।